अलैकुम, कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करते हैं अपने अपने घर में खुश होंगे, रब्बा होंगे, अलहमदिल्ला हम भी ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। खैर से बच्चे स्कूल गए हुए हैं और हस्बैंड भी जो है ना अपने काम पे हैं। खैर से तो मैं जो है ना थोड़ी देर के लिए लेटी थी लेकिन लाइट चली गई। खैर मौसम काफ़ी ठंडा हुआ, बहुत प्लेजेंट हुआ हुआ, पंखे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह कि थोड़ा सा यानी कि अब तक गर्मी फील होती है अभी भी, इसलिए पंखे का सहारा लेना पड़ता है। खैर यहाँ पर ना मैं अभी थोड़ी देर पहले खड़ी उठी थी, उठ के फिर फ्रेश हुई, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं नाश्ता कर लूँ, तो चले नाश्ता क्या करने लगी हूँ ये मैं आपसे करती हूँ शेयर। तो जी नाश्ते में मेरे हस्बैंड सुबह ब्रेड लेके आए थे, आज मिल्की ब्रेड मिल गई थी उनको बड़े दिनों बाद। मैंने कहा आप मिल्की ब्रेड लेके आए, लेकिन मैं पहले मिक्सर मंगवा लेती थी, तो हस्बैंड कहने लगे कि उसके पास दूसरी ब्रेड ख़त्म हो गई थी, मिल्की थी। तो खैर ये मिल्की ब्रेड लेकर आए, साथ में मैंने चाय बनाई। चाय के साथ ये हुआ कि चाय बनाई तो 2-3 घूंट बच रही थी, मैंने कहा इसको मैं कहाँ डालूँ। मैंने कहा चलो जी मग साहब, आप अपने अंदर इतनी गुंजाइश पैदा कर दो कि आपके अंदर ये भी चली जाए। तो चलें जी यहाँ पर है ब्लू बैंड, तो बस मैं इस पर ये ब्लू बैंड लगाऊँगी और जो है ना इसके साथ फिर खा लूँगी। तो चलें यहाँ पर अपना नाश्ता तैयार लगाती हूँ और फिर उसके बाद खाती हूँ। जैम नहीं है, जैम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मुझे ना ब्रेड पर बटर जैम बहुत मज़े का लगता है, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है कि ब्रेड के ऊपर बटर जैम लगा के खाया जाए। तो चलें यहाँ पर जो है ना मैं नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना अपने बाकी के जो काम है उनको देखती हूँ। जी तो यहाँ पर बच्चे जो है ना स्कूल से आ गए थे खैर से और खाना वगैरह खा के, तो अब वो अकेडमी वगैरह चले गए, तो अब मैं यहाँ पर खाना खाने लगी हूँ। तो बस पहले मैं काम शाम कर रही थी, फिर उसके बाद मैं बच्चों को भेजा, तो अब मैं फारिग हुई तो मैंने कहा चले मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ। तो खाना क्या खाने लगी बताती हूँ। अच्छा जी तो यहाँ पे मैं नान ले आई थी, गर्मा गर्म साथ नान मंगवाए थे बच्चों के लिए भी, तो उस वक्त मैंने अपने लिए भी मंगवा लिया था। तो यहाँ पर जो है ना दाल है रात की लेफ्ट ओवर, तो चले यहाँ पर खाना खाते हैं। जी तो यहाँ पर बच्चे अभी आए नहीं अकेडमी से, तो यहाँ पर ना मगरिब की अज़ान हुई थी, नमाज़ वगैरह से फारिग हुई, तो हस्बैंड आए, उन्होंने चक्कर वगैरह लगाया, तो जो कल लॉन्ड्री की हुई थी तो बस वो यहाँ पर मैंने फैलाई हुई थी कि जो है ना ये सूख जाए। तो बस यहाँ पे उतनी देर मैंने किचन को जो है ना टाइडी किया, तो यहाँ पे जो है ना ये सॉस पैन, अब मैंने चाय बनाई अपने लिए, तो बस मैं फिर अब वो रह गए, बाकी मैंने सारे बर्तन यहाँ पर धो लिए। तो चलें यहाँ पर चाय को मैं अंदर लेके जाती हूँ, तो जो है ना यहाँ पे मैंने एवरीडे की चाय बनाई थी, तो चलें इसमें ना मैं चीनी और ये सब करती हूँ मिक्स, और फिर उसके बाद अंदर लेके चलती हूँ चाय और टेबल पे बैठ के चाय पीते हैं। यहाँ पे हस्बैंड लेके आए हैं ताज़े ताज़े बाग के लीमू, तो चलें इनको मैं ना फ्रिज में रखती हूँ ताकि बाहर ख़राब ना हो जाए, और जो है ना यहाँ से ना अपनी चीज़ें वगैरह समेटती हूँ। अच्छा जी तो यहाँ पर ना बस बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो बस मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग भी सो जाओ क्योंकि सुबह फिर स्कूल जाना है, फिर आप उठते नहीं हो। तो बस यहाँ पर ना मैं अब आपसे चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, बाद रखे, अनगानी पास से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के सर से बचाए, अल्लाह पाक कभी भी किसी का मताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।